मेरी पत्नी की फरमाइश आई कि एक करवा चौथ के व्रत के ऊपर भी वीडियो बनाएं। करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरे पाली में कहीं नहीं मिला, बहुत ढूंढा मैंने, क्योंकि पत्नी की फरमाइश थी। करवा चौथ और व्रत, इन तीनों शब्दों को अगर तोड़ेंगे तो करवा का मतलब जो बताया जाता है वो एक ऐसा मिट्टी का बर्तन है जिसमें आगे टोंटी लगी हुई है, उसको करवा बोलते हैं। और जो चौथ है ये चत्तारी है, चत्तारी का मतलब चौथा दिन, यानी कि पूर्णमासी के बाद में 4 दिन हो गए हैं, अब चांद धीरे धीरे कम हो रहा है, कम भी हो रहा है और लेट भी आता है, यानी कि उसके आने का समय भी बढ़ गया है। और वो चौथा दिन है, लगभग सुबह के सूरज निकलने से पहले लेके और जब तक चांद निकलेगा 13 घंटे का समय हर साल लिए आता है लगभग। मगर इसमें जो तीसरा शब्द है व्रत, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पाली में जिक्र है। जो 5 नियम बताए जाते हैं जिनको पंचशील बोलते हैं, पंचशील के 5 नियम जो पंचशील हैं उनका एक और भी नाम है, वो है वारित्त नियम, उनको वारित्त शील बोलते हैं। यानी पंच के अलावा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है वारित्त शील। वारित्त माने होता है न करने योग, यानी 5 बातें जो हैं वो न करने योग्य हैं। चोरी नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, जो मिथ्या आचरण है वो नहीं करना है, और शराब नशीला पदार्थ नहीं पीना है। वारित का मतलब होता है न करने वाले, और ये वारित पांचों नियम एक साथ चलते हैं। इस वारित शब्द से ही बाद में व्रत पड़ा है। बेसिकली व्रत को जो आज की भाषा है उसमें बोलते हैं सर्कल, या उसमें पूरा पूरा चक्र बोलते हैं, मगर पाली में सर्कल को चक्र बोला जाता है, जैसे धम्म चक्र बोलते हैं या गाड़ी का चक्र हो गया, पहिया बोलते हैं। तो ये जो व्रत है ये व्रत वारित से बना हुआ है, यानी पुराने समय में जो पंचशील में वारित नियम आते थे वो इतने ज़्यादा प्रमुख थे कि उनको वारित नियम करके बोलते थे, और वारित से ही विरत बना और विरत से व्रत बना। पाली में आधा रे नहीं होता, इसलिए व्रत शब्द पाली में नहीं है, मगर वारित है और विरत है। विरत का मतलब है जो रत ना रहे, और वारित का मतलब है न करने योग्य। ये शब्द इसके अंदर आते हैं, यानी कि आप चोरी में व्रत ना रहें, चोरी में रत ना रहें, हत्या में रत ना रहें, तो व्रत के हैं। वारित का व्रत बना और व्रत का बाद में व्रत बन गया, तो ये वहां से चलता है। और जो पंचशील में उपोषित होता है, यानी कि जो लोग अष्टशील मनाते हैं, 5 शील भी अपने करते हैं और 3 भी जो उपोषित रखते हैं, तो वो खाना नहीं खाते, गंगा जल या गंगा माने सारी रिवर, जितनी भी रिवर हैं उसके पानी के ऊपर रहते हैं, पानी के ऊपर पूरा उपोषित करते हैं, खाना नहीं खाते हैं या कम खाते हैं, पूरे दिन वो क्या बोलते हैं मन को शांत करते हैं, विपसना साधना करते हैं। उसके नियम है मांस भी नहीं खाना है, मदिरा भी नहीं पीनी है, हिंसा भी नहीं करनी है, ये सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए जितने भी व्रत आप देखोगे आज की भाषा में वो सारे के सारे उस समय के वारित नियम हैं जो चलते हैं। यहाँ एक बात आप नोट करने वाली है, जो करवा चौथ का, चूंकि पत्नी के लिए वीडियो बना रहा हूं तो वो ध्यान से सुन लें, जो व्रत है वो रखा है पत्नी ने। क्या रखा है, कमाल सुनिए इसमें, कि पति की लंबी उम्र रहे और वो सदा सुहागन रहे। देखिए सदा सुहागन होने की वो कामना करती है इस व्रत में, इसका मतलब ये है कि जब वो मरे तो पति से पहले मरे, यानी उसकी उम्र पति से पहले हो। वो व्रत रख रही है इस बात के लिए कि उसकी उम्र पति की उम्र से हमेशा कम रहे, तभी सुहागन रहेगी। अगर कहीं उसकी उम्र ज़्यादा हो गई और पति की उम्र कम हो गई और पति पहले चला गया तो फिर तो सुहागन नहीं रही। तो सदा सुहागन होने के लिए वो रखती है, तो अपनी उम्र कम के लिए वो व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, अपनी कम उम्र के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पुराने समय में कहीं भी इस तरह का कोई उम्र का कल्चर का कोई व्रत, कहीं कोई जिक्र मिला नहीं, कहानियां कोई मिली नहीं, पाली पूरे त्रिपिटक में कहीं कोई इसका जिक्र अभी तक मिला नहीं। आगे मिलेगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाकी ये जो जितने भी फेस्टिवल हैं, ये फेस्टिवल कई बार डर से बनते हैं, जैसे व्रत जो रखता है आदमी लालच में या डर में रखता है, ये मिल जाएगा या ये तेरा खराब हो जाएगा,
इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें दो चीज काम करती हैं, या तो कुछ लालच होगा कि ये प्राप्त करना है, और या कुछ मेरा अनिष्ट ना हो जाए, कुछ चला ना जाए, उसका भय होगा। यानी भय और लालच से अगर आप कोई काम करेंगे तो वैसे भी अधूरा है। इसलिए अगर आपको भूखा रहना है या आपको व्रत रखना है तो आप भय और लालच से परे होकर रखिए, शायद ज़्यादा फायदा होगा। और शरीर तो आपका अच्छा हो ही जाएगा, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, जो आपकी आंतें हैं वो रिलैक्स करेंगी, वो शांत हो जाएंगी और वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगी उस दिन, तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। साइंस के यानी मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। पानी पीते रहें, पानी पीते रहेंगे तो वो आंतें धुलती रहेंगी, पानी चलता रहेगा शरीर में और शरीर को अच्छी तरह साफ कर देगा। ठीक ऐसे ही जैसे कार के इंजन की सफाई करते हैं मैकेनिक, उसमें कुछ डाल डूल के और उसके बाद उसका जेट वेट साफ कर देते हैं, ऐसे ही जो आंतें हैं वो ठीक ठाक हो जाती हैं। तो ये जो भूखे रहने से तो फ़ायदा ये है, बाकी पाली में कोई जिक्र मिलेगा तो बताया जाएगा। धन्यवाद।